ये कितने का है? हाँ, ये 10 दिनार का है। और ये वाला? ये 15 दिनार का है। 15 दिनार? अच्छा, वो लाल वाला दिखाओ। हाँ हाँ, वो। देखने में अच्छा है और बेहतर भी। बहुत अच्छा है। इसका दाम क्या है? ये 25 दिनार का है। 25 दिनार? 25? आप कितने में खरीदोगे? मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ, खरीदूंगा बाद में। मैं तो किसी का यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। सुना है प्रभु यीशु यहाँ से गुजरने वाले हैं। प्रभु यीशु की आजकल काफी चर्चा है। तुम जानते हो यीशु ने फिर से चमत्कार किया है? अच्छा, कहाँ, क्या हुआ था? गलील के सामने गिरासीनियों के देश में जब यीशु वहाँ पहुँचे, तब वहाँ एक मनुष्य बहुत सी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था। उससे उन्होंने छुटकारा दिलाया और वो अच्छा भी हो गया। बारह साल से मैं वैद्यों के पीछे अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर चुकी हूँ, तो भी किसी के हाथों चंगी ना हो सकी और रोगी हो गई। अगर कोई मुझे यहाँ पहचान लेगा तो मुझे अशुद्ध पाकर दूर हटा देगा। अच्छा, तुम्हें यह सब कैसे मालूम पड़ा? कुछ चरवाहे इस पूरी घटना को देख रहे थे और जब वो मनुष्य अच्छा हो गया, तब उसने इस बात को सब जगह फैला दिया। ये शोर कैसा है? लगता है प्रभु यीशु आ गए। हम लोगों को चलना चाहिए। चलो चलो चलो। प्रभु प्रभु प्रभु, हमें सही मार्ग दिखा। प्रभु हमें छुटकारा दो। प्रभु प्रभु प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु धन्य हो गया। प्रभु हमें आशीष दे। प्रभु अरे भाई, हमारे जीवन में सुख शांति दे। प्रभु आप लोग हटिए, प्रभु को रास्ता दीजिए। हे रब्बी, आप देख रहे हैं भीड़, ये सब आप पर गिरे पड़े जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपको किसी ने छुआ? नहीं नहीं, मुझे किसी ने छुआ है। मेरे भीतर से सामर्थ्य निकला, मुझे किसी ने छुआ है। मैं 12 साल से लहू बहने के रोग से बहुत पीड़ित थी। आपको छूना चाहती थी ताकि चंगी हो जाऊं, और आज आपको छू के मैं चंगी हो गई। हाँ।
बेटी, तेरे विश्वास ने ही तुझे चंगा किया है। कुशल से जा, परंतु इस बीमारी से बची।